अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक मिथ से मैं हूं इमाद खान और आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड लाइव। तो व्यूअर्स, आज के नए एपिसोड में हम आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आइए देखते हैं कि आज की फर्स्ट टेक मिथ हमारे पास कौन सी है। आज की फर्स्ट टेक मिथ जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ये है कि इंटरनेट WWW यानी के वर्ल्ड वाइड वेब ये सेम है। तो व्यूअर्स, ऐसा नहीं है, ये दोनों वेबसाइट जो है बिल्कुल ही सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम www. कोई भी साइट दे देते वो हमें स्पेसिफिक उस साइट के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यही चीज इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो हमें पूरी डिटेल आ जाएगी, यानी हमारे पास डिफरेंट साइट से इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन जमा हो जाएगी। यानी हमारे पास डिफरेंट साइट्स पे कोई भी अगर हम चीज सर्च करें तो हमारे पास डिफरेंट साइट्स पे अगर वो चीज अवेलेबल है तो वो इसमें हमारे पास शो हो जाएगी। इसी तरह अगर यही चीज हम लोग वेब पे देखते हैं, वेब पे हमें एक स्पेसिफिक चीज शो हो जाती है जिसमें सिर्फ हम उस चीज के बारे में एक साइट पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यही चीज इंटरनेट पे सर्च करते तो इंटरनेट पे हमारे पास काफी डिटेल इसकी शो हो जाती है। मतलब कि हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो हमें डिफरेंट साइट से हमें मिल जाती है, ना ही वेब की तरह एक ही स्पेसिफिक साइट से मिलती है। तो व्यूअर्स, इंटरनेट और यानी कि वेब, ये दोनों सेम चीजें नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। आज की सेकंड में जब हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ये है कि हम जब गैस स्टेशन पे जाते हैं अपने गाड़ी पे पेट्रोल भरवाने के लिए तो वहां पे लिखा होता है कि अपने सेलफोन को ना यूज कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अपना सेलफोन गैस स्टेशन पे यूज कर रहे हैं, आपके सेलफोन की वजह से एक्सप्लोजन नहीं होगा गैस स्टेशन पे। व्यूअर्स, हमारा सेलफोन इतना स्मार्ट होता है कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन की वजह से गैस स्टेशन में आग लग जाए या एक्सप्लोजन, किसी तरह का भी एक्सप्लोजन हो जाए। हमारे सेलफोन में इतनी पावर नहीं होती है कि बाई चांस हम लोग अपने सेलफोन पे बातें कर रहे हैं गैस स्टेशन पे तो उसकी वजह से हमारे सेलफोन की वजह से गैस स्टेशन पे आग नहीं लग सकती। 1992 में न्यूयॉर्क के एक गैस स्टेशन में आग लग गई थी और लोग इसके रीजन जो है ये कह रहे थे कि ये सेलफोन की वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि ये एक्सप्लोजन सेलफोन के यूज करने से नहीं हुआ बल्कि गैस स्टेशन में किसी और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से वो एक्सप्लोजन हुआ था। अगर व्यूअर्स, अगर आप बाई चांस अपना सेलफोन गैस स्टेशन पे यूज कर भी रहे हैं तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपना सेलफोन गैस स्टेशन पे ना यूज कीजिए। अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो उससे आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती या कोई भी एक्सप्लोजन आपके सेलफोन की वजह से नहीं हो सकती। लास्ट जो मिथ हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ये है कि हम जब माइक्रोवेव में कोई चीज गर्म कर रहे होते हैं तो हमें पेरेंट्स कहते हैं कि आप माइक्रोवेव के करीब ना खड़े हो। बिल्कुल ये नहीं है कि माइक्रोवेव से जो रेडिएशन निकल रही है वो हमें इफेक्ट कर सकती है। व्यूअर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप माइक्रोवेव में कोई चीज गर्म कर रहे हैं और आप माइक्रोवेव के बिल्कुल ही करीब खड़े हैं तो उससे जो रेडिएशन निकल रही है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। माइक्रोवेव से जो रेडिएशन निकलती है, अगर आप माइक्रोवेव में कोई चीज गर्म कर रहे हैं तो वो रेडिएशन इस वजह से होती है कि आप जो भी चीज माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं रेडिएशन सिर्फ उसके लिए होती है कि वो उसको हीट अप करे, यानी उसको गर्म करे। अगर माइक्रोवेव से कोई रेडिएशन निकल भी रहे हैं तो वो ह्यूमन लाइफ के लिए इफेक्टेड नहीं होती। तो व्यूअर्स, आई होप आज की इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर करी वो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल होंगी। अगर आप हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। कीप वॉचिंग फॉर माई लाइफ। अल्लाह हाफिज़।